दोस्तों यहाँ पर फ्लिपकार्ट की तरफ से एक ऑफ़र आ चुका है जिसमें आपको यहाँ पर जो है घर बैठे आधार और पैन के ज़रिए से आपको 5 लाख तक का लोन दिया जाएगा और दोस्तों उससे आप शॉपिंग वगैरह यानी जो भी कुछ करना चाहो वो आप कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसमें पूरी प्रोसेस बताऊँगा कि इसमें आपको लोन कैसे अप्लाई करना है और इसमें दोस्तों आपको अकाउंट वाले सेक्शन पर क्लिक करना है और दोस्तों इसमें मैं आपको पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो पर्सनल लोन का एक ऑप्शन मिलेगा और नीचे फ्लिपकार्ट पे लेटर का भी ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ से पर्सनल लोन वाले सेक्शन पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद आपसे यहाँ से प्रोसेस बताता हूँ। यहाँ पर दोनों दोस्तों तीन स्टेप हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो बेसिक डिटेल, वर्क डिटेल और दोस्तों नीचे उसके बाद थर्ड पर लोन ऑफ़र। तो इसमें तीन में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपका यहाँ पर जो है वो लोन आपको मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आपके फ़ोन में ये ऑफ़र नहीं काम करता फ्लिपकार्ट के अकाउंट में, तो आपको पहले फ्लिपकार्ट को अपडेट कर लेना है। और दोस्तों अगर फिर भी नहीं काम करता है तो पहले आपको यहाँ पर अपडेट कर लेना है, उसके बाद आपको इसमें हर महीने कुछ ना कुछ शॉपिंग किए होंगे तभी इसमें आपका शो होगा। और अगर दोस्तों फिर भी नहीं शो करता है तो दोस्तों आपकी पूरी प्रोफाइल यहाँ पर एड्रेस सहित कंप्लीट होने चाहिए, पूरा डेटा आपका सही से भरा होना चाहिए। और दोस्तों अगर आप शॉपिंग वगैरह करते हैं तो इसमें ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों आपने ज़्यादा प्रोडक्ट भी ना रिटर्न किए हों और उनसे ज़्यादा आपको यहाँ पर परचेज हो तो दोस्तों इसमें बड़ी ही आराम से आपको पर्सनल लोन वाला सेक्शन काम करेगा। अगर दोस्तों फिर भी नहीं काम करता तो आप कुछ दिन बाद ट्राई कर सकते हैं, काम करने लग जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप आज उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अकाउंट वाले सेक्शन पर क्लिक करना। तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे तो दोस्तों आपके यहाँ पर जो वो सेक्शन है पर्सनल लोन वाला वो दोस्तों काम करने लग जाएगा। दोस्तों इसी पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एरर नहीं शो करेगा और कुछ इस तरीके का यहाँ पर जो इंटरफेस वो आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो आपको अपना पैन कार्ड नंबर डाल देना, उसके बाद नीचे आपसे डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। तो दोस्तों आपको पैन कार्ड और डेट ऑफ बर्थ नंबर दोनों को यहाँ पर डाल देना है और नीचे आपको चूज करना है मेल, फीमेल या फिर अदर्स, और नीचे आपको टिक वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ से सबमिट कर देना है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ से इसको पैन कार्ड नंबर को और डेट ऑफ बर्थ को डाल के सबमिट करके फिर आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। चाहो तो आप इनकी टर्म एंड कंडीशन वगैरह भी पढ़ सकते हो और उसके बाद आप यहां से जो इसको फिल करके कंफर्म कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहां से आपको सेकंड नंबर में वर्क डिटेल देनी होगी कि आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। अगर दोस्तों आप गवर्नमेंट का कोई काम करते हैं, गवर्नमेंट के यहां पर जो है वो जॉब करते हैं, कोई किसी तरीके की भी जॉब करते हैं, फिर आप खुद का कोई काम करते हो, तो दोस्तों आपको सेल्फ एम्प्लॉयड चूज करना है। तो आप अपने हिसाब से अगर आपको कहीं से सैलरी मिलती तो आप सैलरीड नहीं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड चूज कर सकते हो। उसके बाद नीचे यहाँ से आप पूछा जाएगा कि आप कंपनी किस तरीके के हैं। तो दोस्तों इसमें आप डाल सकते हो गवर्नमेंट की है, फाइनेंस कंपनी है, तो जिस तरीके की कंपनी वो दोस्तों यहाँ से नीचे आ जाएगा। अगर नहीं आता तो आप फाइनेंस वगैरह भी चूज कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इसमें ढेर सारी दी गई हैं, तो आप अपने हिसाब से कोई भी चूज कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो अदर्स का भी ऑप्शन है। उसका दोस्तों यहाँ से आपको देख सकते हो कि यहाँ से 2 से 4 लाख के बीच में आपके यहाँ पर जो है वो इनकम, एनुअल इनकम होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों अगर आप यहाँ पर डालते हो तो आपकी इनकम दोस्तों यहाँ से जो है 30,000 रुपये महीने के हिसाब से आपको साल भर का जोड़ के देना है, यानी कि 3,60,000 से ऊपर ही आपको इसमें देना है, तभी आपका लोन अप्रूव होगा, नहीं तो आपका लोन इसमें रिजेक्ट हो सकता है। और दोस्तों अगर आप इसमें पहली बार लोन ले रहे हैं तो आपको यहाँ पर लोन तो मिल जाएगा लेकिन लिमिट कम रहेगी ताकि क्रेडिट स्कोर फिर से बढ़ के आपका लोन अच्छा मिल सके। और दोस्तों अगर आपका क्रेडिट 750 से कम है तो आपके यहाँ पर लोन मिलने में दिक्कत होगी या फिर आपकी लिमिट कम हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आप जैसे ही इस पर टिक करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ से आपको लिमिट मिल जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें 2.5 लाख तक का लोन इस पैन कार्ड पर दिखा रहा है। तो दोस्तों आपके हिसाब से यहाँ पर कोई भी लिमिट हो सकती है, आपको कम भी लिमिट हो सकती है, आपके जो है क्रेडिट स्कोर और यहाँ पर जो है उसी हिसाब से जो भी डेटा फेच करेगा उसी हिसाब से दोस्तों यहाँ पर आपको लिमिट देगा। और उसके नीचे आपको यहाँ पर EMI देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों जितना भी आपको यहाँ पर लिमिट मिलती तो आप उससे कम ही यहाँ पर चूज करके लोन ले सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 2.5 लाख की लिमिट है लेकिन यहाँ से आप 50,000 भी चूज कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ से आप EMI देख सकते हो 36 मंथ के लिए, 30 मंथ के लिए, सभी प्रकार की यहाँ पर जो है 15 मंथ तक आपकी EMI मिल जाएंगी। तो आप कोई भी चूज करके कन्फर्म एंड कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर सकते हो। तो जितने दिन के लिए चाहिए वो दोस्तों आपको यहाँ पर चूज कर लेना। और इंटरेस्ट देख सकते हो आपको यहाँ पर 20.5% का आपको इंटरेस्ट चार्ज देना होगा। और दोस्तों इसमें आपको कुछ परसेंट की जो है वो प्रोसेसिंग फ़ीस देनी होगी और इसमें GST भी कटने वाला है। और नीचे आप यहाँ पर देख सकते हो एक्सिस बैंक की तरफ से आपको लोन मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब आप यहाँ पर आप पूरा रीड कर सकते हो लोन अमाउंट आपको कितना मिलेगा, आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी होगी, आपका दोस्तों यहाँ पर जो है अमाउंट कितना मिलेगा और इंटरेस्ट रेट कितना कटेगा।
दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो आपको यहाँ पर कितना अप्लाई किया और आपके अकाउंट में कितना जाएगा इंटरेस्ट वगैरह आप देख सकते हो। और यहाँ पर EMI भी देख सकते हो कितने मंथ में आपको यहाँ पर कितने हर मंथ कितने देने होंगे। और दोस्तों यहाँ पर कब से जो है EMI स्टार्ट होगी सारा कुछ डेट वगैरह आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा। तो सब कुछ आपको रीड कर लेना है। तो दोस्तों यहां से आपको सब कुछ रीड करके फिर आप कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर दोगे तो आपका दोस्तों यहां पर नेक्स्ट स्टेप ओपन हो जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहां पर आपको और भी जानकारी दी रहे होंगे कि आपका यहां पर आपकी बेसिक डिटेल क्या है, उसके बाद आपको यहां पर टिक कर देना, फिर आप कन्फर्म कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक्सिस बैंक वाली वेबसाइट पर रिडायर करेगा जो कि यहाँ पर जो है लेंडिंग पार्टनर है। और यहाँ पर देख सकते हो आप किस तरीके के से इसमें आपको ऑटो पेमेंट करना है। चाहो तो आप नेट बैंकिंग अगर आप यूज करते तो आपके बैंक से हर महीने कट जाएंगे, और चाहो तो आप डेबिट कार्ड भी यूज कर सकते हो। तो दोस्तों आपको ऊपर बैंक डालना है, फिर आपको यहाँ पर IFSC कोड वगैरह डिटेल सारी फिल कर देनी है, फिर आप कंफर्म करोगे तो आपका यहाँ पर जो सक्सेसफुली वो हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो लोन रिपेमेंट वगैरह की सारी लास्ट डेट भी इसमें आ चुकी है। बस दोस्तों इतना करने के बाद जैसे आप प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर जो है सक्सेसफुली वो क्रेडिट हो जाएगा, और हर महीने जो भी आपकी किस्त है वो दोस्तों आपके बैंक से कटती रहेगी और सारा का सारा लोन आपके अमाउंट में चला जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपके एक एक करके इसमें जो है वो आपकी जो भी EMI है वो दोस्तों आप अपने आप ऑटो पेमेंट होती रहेंगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसमें अपने बैंक अकाउंट में लोन ले सकते हो। और दोस्तों लोन आपको तभी लेना जब इसकी इंस्टेंट यानी कि बहुत ज़रूरत हो, तभी आपको लोन लेना है।